वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीला, आप लोग देख रहे हैं ब्यूटी क्वीन। तो आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के से और एक वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो चलो देखते हैं कौन सा वीडियोस मैं आज बनाती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी हेयर ऑयलिंग का वीडियो विथ माई फेवरेट हेयर ऑयल पैरासूट। तो चलो, मैंने तो अच्छे से रेडी हुआ, फिर भी आज ऑयलिंग करूँगी क्योंकि बहुत दिन ऑयलिंग नहीं किया तो हेयर तो बहुत रफ हो गया। क्योंकि वीक में एक बार हेयर ऑयलिंग तो बहुत ज़रूरी है, तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता, कभी कभी भूल जाती हूँ, तो इस वजह से नहीं होता। तो चलो आज कर लेती हूँ हेयर का ऑयलिंग। देखो हेयर का ग्रोथ भी मेरा अच्छा हुआ है ना, एकदम शॉर्ट कर दिया था पर भी इतना ग्रोथ हुआ 3 महीने में, तो ग्रोथ तो ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा खाना खिलाती हूँ। तो अभी मैं क्लेचर लगा हुआ है हेयर पे, वो निकाल दिया और अभी करूँगी ऑयलिंग। तो अच्छे से देखो, सिंदूर भी पहनी थी मैं, फिर भी ऑयलिंग करूँगी, सिंदूर पे नहीं लगाऊँगी, नहीं तो पूरा पिघल कर मेरे मुंह पे आ जाएगा। तो ऑयलिंग से पहले थोड़ा मैसेज कर लूँ हेयर को। हेयर को मैसेज करना, स्कैल्प में मैसेज करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हेयर ऑयली क्यों लगाती हूँ बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये ना इसमें कोई स्मेल नहीं है, इसमें कोई स्मेल ऐड नहीं किया है, जैसा कोकोनट ऑयल होता है ऐसे ही स्मेल है। तो इस वजह से मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाहर से ऐड किया हुआ जो स्मेल होता है बहुत मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है उस स्मेल से, तो इस वजह से मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मेरा तो आँख बंद हो रहा है देखो एकदम। हेयर ऑयलिंग और ये मैसेज में इतना आराम मिलता है ना, जो किया है उसको मालूम है। एकदम फिंगर टिप से धीरे धीरे मसाज करना, तो खुद का मैसेज करते करते खुद का नींद आ जाएगा। और रात को अगर हेयर ऑयलिंग करके सोते हैं ना तो नींद भी बहुत अच्छा होता है, एकदम डीप। हेयर ऑयलिंग से थोड़ा चिपकू लगता है, इस वजह से ना मैं ज़्यादातर नाइट टाइम ही हेयर ऑयलिंग करती हूँ, कभी कभी दोपहर में भी करती हूँ नहाने से पहले। इसे क्या होता है उसके बाद तुरंत शैम्पू कर लेती हूँ, या रात को लगाने के बाद सुबह शैम्पू कर लेती हूँ, फिर मैं बाहर जाऊँ या कुछ भी काम पर जाऊँ तो और चिपकू नहीं लगता है ना। नहीं तो हेयर ऑयलिंग से पूरा हेयर एकदम चिपकू जैसे हो जाते हैं। तो सबको तो अपना अपना स्टाइल है, स्टाइल में ड्रेस पहनना, मेकअप करना, ये सब बात तो रहता है, उसके साथ हेयर ऑयलिंग मैचिंग नहीं करते। तो देखो मेरा कितना हेयर फॉल हो रहा है, अभी तो सीजन चेंज का टाइम है तो हेयर पे भी तो इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि विंटर में तो ज़्यादा शैम्पू नहीं की कर पाया, इस वजह से अभी थोड़ा हेयर फॉल होगा। इतना ज़्यादा ठंड होता है तो इस वजह से ज़्यादा हेयर वॉश नहीं कर पाती मैं, क्योंकि गर्म पानी का तो यूज़ नहीं कर सकती हेयर में, वो तो जड़ जाएगा, और ठंडे पानी भी हेयर में नहीं डाल सकती, बहुत ज़्यादा ठंड है इस वजह से। तो इसलिए हेयर वॉश ज़्यादा नहीं करती मैं, वीक में एक या दो बार बस।
स्कैल्प के पीछे भी अच्छे से मैसेज करो। तो मैसेजिंग पे मेरा हो गया और ऑयल थोड़ा सा लगेगा, देखो अभी भी ये ड्राई है तो इस पर थोड़ा और ऑयलिंग करूँगी मैं। और ये ब्लू ब्लाउज के साथ मेरा पिंक साड़ी कैसा जा रहा है जरूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है इस ब्लू ब्लाउज के साथ ये पिंक साड़ी। मैं थोड़ा कलरफुल रहती हूँ, मुझे कलर वाला ड्रेस ही पसंद है, इस वजह से मेरा सब ड्रेस ही कलरफुल है तो इसलिए पूछा। तो चलो अभी करूँगी कॉम्बिंग क्योंकि रात तो खुला नहीं छोड़ सकती हेयर को, तो अभी कॉम्बिंग करके इसको अच्छे से बांध के रख दूँगी, इससे क्या होगा हेयर का ऑयल हेयर में ही रहेगा, तकिया में नहीं जाएगा। देखो रात हो गया इस वजह से कुत्ते भी भूख रहा है, वो लोगों का भी खेलने का मूड आ गया। क्योंकि मैंने मिरर के सामने तो नहीं बैठी, इस वजह से कैमरे की ही देख लिया कि मैंने सही किया कि नहीं। आज के लिए इतना ही, बाय।